यू आर डूइंग द लिमिट्स टू ग्रोथ थियरी, एक बार पढ़ के आए हो घर से, फाइन. ब्लैंक पेजेस इसलिए छोड़े कि देर आर सम ग्राफ्स टू बी मेड. सो व्हाट हैज हैपेंड इन द फर्स्ट स्टेज इन द लिमिट्स टू ग्रोथ थियरी, क्या होता है? फूड क्राइसिस, फाइन. इज देयर एनी डायग्राम फॉर द फूड क्राइसिस? नाउ इतना याद रखना, डोंट डू द डायग्राम्स फ्रॉम माजिद हुसैन्स बुक, द डायग्राम्स आर रॉन्ग देयर, फाइन. फर्स्ट रन का डायग्राम इज एक्चुअली द डायग्राम फॉर द थर्ड रन, फोर्थ रन का डायग्राम इज एक्चुअली द डायग्राम फॉर द सेकंड रन, फाइन. सो डोंट डू इट फ्रॉम द मॉडल्स एंड थियरीज ऑफ द माजिद सर्स बुक. बेसिकली लिमिट्स टू ग्रोथ थियरी के डायग्राम्स कहीं प्रॉपरली दिए नहीं है, एंड दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग. सो पहले इसमें देर इज नो डायग्राम के लिए स्पेस, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ फूड एक्सेट्रा. सेकेंड एंड थर्ड में वॉट इज हैपनिंग इज द पोल्यूशन, फाइन. एंड देयर फोर सेकेंड एंड थर्ड का डायग्राम कैन बी द सेम. मेक फोर डायग्राम्स इन द एग्जामिनेशन एंड देयर आई विल मेक द सेकेंड डायग्राम, सेकेंड वाला डायग्राम इन द दिस थिंग. सो वॉट इज हैपनिंग इन द सेकेंड रन इज, और वॉट इज हैपनिंग इन द थर्ड रन इज, दोनों का डायग्राम एक ही है. वॉट इज हैपनिंग? पोल्यूशन. सबसे पहले इफ यू लुक एट द ग्राफ प्रॉपरली, इस ग्राफ में देर इज नथिंग नोन एज एरोज. देर इज अ ईयर प्रॉपरली. इफ यू लुक एट योर डायग्राम, देर इज वन थिंग विच इज गिवन हियर एंड इट इज 1900 to 2100. ऐसे नहीं है, फाइन. इट इज ऑल अबाउट 1900 to 2100. छोड़ना है क्लास? सो वेरिएबल, सी इनिशियली द रिसोर्सेस वेर वेरी हाई, फाइन. यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ विथ मी. In the third run, initially the resources were very high, but over the period of time the resources started depleting. Getting it? Initially there was no pollution at all, but over the period of time there has been exponential jump in the pollution. Initially the population was less, but as the population increased, therefore due to pollution the population will decrease. Initially the food per capita was very high, but with the increase in the population the food per capita could not match, and therefore there was decrease in the food per capita. There was nothing known as industrial output earlier. And then over the period of time industrial output increased, but it could not match the population, and therefore industrial output also decreased. इसमें हाँ, ये सेकंड रन का मॉडल है ना, डायग्राम है ना. सेकंड रन में तो डिक्रीज होगा, थर्ड रन में फिर वो रिसोर्सेज डिस्कवर करेंगे ना. वो एक एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सेकंड रन में देखो क्या है, अज्यूम्स द टेक्निकल. सेकंड रन में क्या है, ये सेकंड रन का एंड थर्ड रन का डायग्राम है. दिस इज अ कॉमन डायग्राम फॉर, इट विल डबल द रिसोर्सेस. डबल द रिसोर्सेस इसीलिए रिसोर्सेस कम हो रहे हैं. इसका फोर्थ रन में रिसोर्सेस यहां आ जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग? रिसोर्सेस एज पर कैपिटल. सो रिसोर्सेस है पर धीरे धीरे कम हो रहा है. फोर्थ रन में रिसोर्सेस ऐसे आ जाएंगे. पोल्यूशन इंक्रीज्ड. बाकी की चीजें देखो, इट इज वेरी सिंपल. इसको टफ मत बनाओ. रिसोर्सेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट नाउ in the world, but with the technology resources ka use hum karna shuru karenge. We'll start using the resources with the help of technology. So as a result of this, resources will always start from the top. It will never be zero,
Fine. Pollution was not there, so it will come from the ground and it will suddenly increase. Industrial output was not there, it has increased. Population was already there, it will increase. Food per capita was initially more, but with the increase of the population, food capita started decreasing. Exactly aise aana chahiye jaise maine banaya. Aaya to bahut hi acha, nahi bhi aaya to don't worry, examiner dekhega what is the root cause pollution. Ye teen cheeze itni detail mein nahi dekhi jayegi. Fine, what will be seen? 1, 2. Fan. Clear? Limits to growth theory. Understanding? इसलिए मैंने वो blank रखा है because when you make समझ में आएगा क्या theory है. If I would have given you in Xerox, वो color Xerox तो होता नहीं, black Xerox होता, पता नहीं चलती lines कौन सी कहाँ से. Understanding? Fourth में what are the conditions? Can someone read what are the conditions? Means can someone tell me what is the crux of fourth? Food crisis. Are we controlling the pollution here? Yes. Are we controlling the industrial resources? Are we doubling them? Yes. But food crisis is due to what? Population growth. Industrial output also increases, population increases, and then so pollution ki line. Yes. Second and third ke liye. Common hai ye diagram. Second and third ke liye. Pollution ki line. Pehle blue color is for pollution. Pollution badh gaya tha, humne control kar diya. And pollution more or less constant raha. How was the pollution in third? Exponential rise. How is the pollution here? More or less controlled. Industrial output increases. And baad mein it keeps on decreasing, right? What is the problem? सेकेंड एंड थर्ड का, दिस इज फॉर फोर्थ. मैंने ब्लैंक स्पेसेस दिए है, थर्ड एंड फोर्थ के लिए कैसे? फोर्थ के लिए एक ब्लैंक स्पेस है अलग से. बिकॉज इंडस्ट्रियल आउटपुट सम पॉल्यूशन विल राइज, इट इज नॉट राइजिंग एक्सपोनेंशियली बट इट विल राइज ओनली. यू आर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन बट यू कैनॉट कट डाउन द पॉल्यूशन टू जीरो. Right? Population, say I'll take population. I'll take black color only for population. Population was initially less. Fine. It was rising. It rose to such an extent ki it grew exponentially. Dekho, food crisis is averted initially. हमने ये फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम इनिशियली तो सॉल्व कर दिया, बट बाद में इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने के कारण देर हैज बीन सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. एंड देर सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑकर्स टू सच एन एक्सटेंड कि पॉपुलेशन विल आउटपेस द रिसोर्सेस. पॉपुलेशन विल आउटपेस द रिसोर्सेस. इनिशियली रिसोर्सेस वेर हाई, बट इट विल आउटपेस द रिसोर्सेस. एंड देयरफॉर फूड पर कैपिटा, food per capita initially was high, but as the population increased, food per capita started decreasing.
And therefore, what is the cause? Food crisis. Industrial output हमारा अभी भी ज्यादा है, but इंडस्ट्रियल आउटपुट खत्म नहीं हुआ, वी हैव एंडेड आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ फूड क्राइसिस. वन स्मॉल मिस्टेक. ज्यादा लंबा हो गया था. इट विल एंड इन 2100. How to remember in the exam? Resources, population, food. ये तीन remember करो. रोस्तों ने दिया था much much earlier. This came in 1970s. So 1970s में pollution was becoming a major problem. So इसलिए वो opposite बोल रहा है. This is the theory which says कि economic growth से काम नहीं चलेगा, technical solution से काम नहीं चलेगा. You will have to go back to the culture. You will have to go to the sustainable development, culture, etc. factors. Exactly opposite of Rostow. This theory will not be that important in the terms of GDP. ये है HDI, happiness index, इन सब के लिए this theory is more important. What is happening in the fifth run? Food is increased due to high yielding variety of the seeds. Fine. Industrial output bhi increase hota hai. Industrial output ultimately it increases to such a level ki pollution will be very very high. Resources are not that important in the fifth run. Resources are not important because in the fifth run we have gone to that level of technology in which we can recycle the resources. So natural resources nahi important hai. We can recycle and reuse them. Fine. So in the fifth run, the diagram will be, can I change this? क्या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बताओ मुझे फिफ्थ रन में? पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे रहेगा, ऊपर या नीचे? रिसोर्सेस मोर और लेस कॉन्स्टेंट रहेंगे. सो आई एम अगेन ड्राइंग द रिसोर्सेस. अब सी वेयर आई एम टेकिंग थोड़ा नीचे रिसोर्सेस. ये डिक्लाइन हो गया रिसोर्सेस. फाइन. इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑरेंज कलर. इट वॉज लो देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली. Understanding? Pollution, blue color. Pollution was low. We had controlled it. But जब से industrial output increase होता है, pollution level rises. You try to control it, but still it rises. Try to control it, still it rises. और फिर बाद में humans, food production. Food per capita is very high. We make it rise. बट जब पोल्यूशन जब से राइज होना शुरू होता है, फूड पर कैपिटा स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. गेटिंग इट? एंड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन वॉज लो
it rises, we try to control the population, but ultimately it falls. Because we are using them. But industrial output dekho kaise badh raha hai. Red color is industrial output. तो बताओ मुझे, नई नई डिस्कवरीज हो रही है अभी, आर द फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजिंग या डिक्रीज ही हो रहा है? व्हाट इज द थियरी अबाउट? थियरी इज नॉट एट ऑल अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज. थियरी इज ऑल अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अजम्पशंस में देखो ना, दे आर अज्यूमिंग ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सोलार पावर और सब की बात ही नहीं है इसमें. किया है पर फिर भी लिमिटेड ही है ना. मोर रिसोर्सेस विल लीड टू मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लीड टू डिक्लाइन इन द रिसोर्सेस. इफ यू गेट मोर पेट्रोल इट विल बिकम चीपर. इफ यू बिकम मोर चीपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विल कॉज पीपल टू टेक मोर व्हीकल्स. प्राइवेट व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेंगे, दे विल बाय मोर व्हीकल्स. अल्टीमेटली अगर किसी ने गाड़ियां नहीं खरीदी फिर भी फल सब्जियां चीप हो जाएंगी, मोर कंजम्पशन बढ़ेगा. Done with the fifth run. Fine. Sixth run. How will the diagram for the sixth run? What is written in the sixth run? We are stabilizing everything, right? We are making sure that there are no unwanted births और अनवांटेड चिल्ड्रेन. बट इससे इनका कहना है यू आर नॉट अवर्टिंग द क्राइसिस, यू आर जस्ट पोस्टपोनिंग द क्राइसिस. 2100 नहीं तो 2200, फाइन 2150. ऐसा नहीं है कि यू विल देयर विल बी अनलिमिटेड ग्रोथ. देयर इज ऑलवेज अ लिमिट्स टू ग्रोथ. यू आर जस्ट अवर्टिंग द क्राइसिस. सो सिक्स का डायग्राम इज वेरी इजी. पोल्यूशन लेवल हैज बीन अवर्टेड. And therefore, the amount of pollution is less. Industrial output, orange color, has been increasing. And then we try to limit the industrial output. Population. इनिशियली राइजेस एक्सपोनेंशियली, बट हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. फूड पर कैपिटा
due to high yielding variety of seeds will increase. Can you see everything is becoming stabilized up and resources? Obviously, non-renewable resources will keep on declining. What is the problem here? Enough food is there, population is there, industrial output is there, pollution is also less. So, your standard of living is very, very high. So, when the standard of living is very high, you are more demanding on the nature. Your carbon footprint increases, your ecological footprint increases. What do you mean by ecological footprint? Or what do you mean by carbon footprint? How much amount of carbon dioxide you need in your yearly basis, annual footprint, daily basis, daily footprint, right? How do you come to the class? By foot. How do you come to the class? Foot. कैसे आते हो क्लास में? मेट्रो. मेट्रो तक कैसे आते हो? थ्रू फुट. सो दिस आर जस्ट दिस पीपल आर जस्ट वॉकिंग बट ही इज टेकिंग मेट्रो. फाइन. हिज कार्बन फुटप्रिंट इज मोर. क्यों? बिकॉज मेट्रो इज कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कार्बन फुटप्रिंट. अंडरस्टैंडिंग? कितने दूर से आते हो? आदर्श नगर. यू कम फ्रॉम लक्ष्मी नगर? मयूर विहार बन. सो जो जितना दूर से आ रहा है एंड यू कम टू मयूर विहार बाय ई रिक्शा. सो हिज कार्बन फुटप्रिंट इज ग्रेटर देन उसका कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज ही इज कंज्यूमिंग मोर बाय ई रिक्शा. अंडरस्टैंडिंग? दिस इज वॉट इज द कार्बन फुटप्रिंट. इफ समबडी इज कमिंग बाय प्राइवेट व्हीकल, मोर कार्बन फुटप्रिंट. यस, मोर कार्बन फुटप्रिंट. एक तो डीजल भी है सो और ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट. अंडरस्टैंडिंग? This is what is the carbon footprint. ये सब words कहाँ से आए? ये सब words आए हैं from limits to growth. और यही तो GS है, carbon footprint, overshoot. Overshoot means जब कोई problem shoot up हो जाएगा. So overshoot is right now happening in Delhi, that is of pollution. इतना ज़्यादा होता है overshoot, it will result into degradation. So right now India is experiencing population overshoot. But it is not taken because each and every human beings will require the basic to lagega hi. How much you are environment friendly, utna smaller is the carbon footprint. How much you are against the nature. And see, urbanized people will always be against the nature. Agar ye class gaon mein hota to itna AC BC ka zarurat nahi padta. Khuli hawa rehti. Fine? Sunlight hota. So their carbon footprint is less. The more nearer you are to the nature, less carbon footprint. Highest carbon footprint belongs to executives. Why executives? Flight se aana jana for meetings. Globalization is bad for environment, yaad rakhna. Because flights will cost most. Sabse zyada energy consumption, fir hotels mein jana, fir PowerPoint projection. In sab ke liye electricity is required. Right? So their carbon footprint is very high. So just one fact. सिंगल पर्सन इन यूएसए के कार्बन फुटप्रिंट पे अराउंड 56 इंडियंस कैन लिव. मतलब जितना सिंगल पर्सन ऑफ यूएसए डज टू द नेचर इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उतना 56 मिडिल क्लास इंडियंस लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. 107 बांग्लादेशीज लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड 267 अफ्रीकन्स लिव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ average person in USA. It can support the lifestyle of 267 Africans. Forget Africans, 56 middle class Indians. Fine? Jitna emissions ho kar raha hai. Jitni electricity ho consume kar raha hai, utna 56 middle class Indians consume karti. And main isliye middle class bol raha hu because middle class thik thak luxury mein rehta hai. They have phone, they have air conditions, they will generally go by
a better means of transport. Fine. So इसीलिए यहां से अब बर्बादी शुरू, बिकॉज योर क्वालिटी ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड. सो यू हैव जस्ट पोस्टपोन्ड एंड देयरफॉर सेवेंथ रन. देयरफॉर सेवेंथ रन में व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सबको यू हैव रिजॉल्व्ड, बट स्टिल बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लाइफ वॉज सो हाई देयर इज अ नेट रिजल्ट इज ओवरशूट एंड कोलैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड ओवरयूज एंड फूड शॉर्टेज leads to food production crisis and rising death rate. So pollution, we had controlled it. It had increased in between, we had controlled it. Pollution is very less, pehle jaisa hi. But the quality of life is so high that resources, dekho, how they are declining, the resources. There is a sudden decline in the resources because quality of life is very high. एंड ये प्रॉब्लम है थियोरी का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, इवन आफ्टर रिसाइकलिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी हाई. फूड पर कैपिटा वॉज इनिशियली हाई, वी हैड इंक्रीज्ड इट, बट एज द रिसोर्सेज डिक्लाइन फूड पर कैपिटा सडनली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. फूड क्राइसिस ही हो रहा है लास्ट में. इंडस्ट्रियल आउटपुट is very high. But food नहीं मिलता, industrial output भी कम होने लगता है, but इतना कम नहीं होगा. मतलब जब हम मरेंगे, humanity end होगी, हम इसके कारण मरेंगे. इंडस्ट्रीज तभी भी हमारी टॉप की रहेगी. वी विल हैव टॉप मशीन्स, वी विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी विल हैव रोबोटिक्स, बट उसका करेंगे क्या जब खाना ही नहीं है, जब उसको कोई चलाने वाला ही नहीं होगा. एंड फूड क्राइसिस क्यों होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा होगी कि पॉपुलेशन विल बी टू मच डिमांडिंग, देयर विल बी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, लैंड ओवर यूज, फूड शॉर्टेजेस. वो अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन बचा है उसका, दिस इज जस्ट इन द टेस्टिंग फेज. फाइन. एंड सेकेंडली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैप्सूल, इट विल हैव विटामिंस, इट विल हैव प्रोटीन्स, इट विल हैव दिस एक्स वाई जेड, वो तो किसी प्लांट से ही लेना पड़ेगा. एक्सट्रैक्शन, एंड व्हेन यू एक्सट्रैक्ट देयर इज लॉस. जूस पीना वर्सेस रॉ फ्रूट खाना, विच इज मोर गुड, रॉ फ्रूट. सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग विटामिन सी फ्रॉम द कैप्सूल to form a capsule. It will be obviously less. Then you will process it, you will store it. Processing mein heat hoga, heat destroys the vitamin C, or heat will destroy many such other things, protein, eaten, kuch bhi. Haan, but maybe if we can make artificially all these things, then it will revert all this. So yahi to hai, technology is the hope for humans, technology is the destruction of humans. Depends upon how you handle the technology. If you use for destruction purpose, it will destroy us. If you use it for constructive purpose, it will help us. Nuclear energy, nuclear energy se bomb banao, destroy. Nuclear energy se electricity banao, it is good for us. That is the, hamesha technology is the double edged sword. Usko kaise use karoge uske upar hai. किसमें? हाँ, पॉपुलेशन ओवरशूट होगा, इफ दैट इज देयर. पोल्यूशन की कैसे होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नेवर पोल्यूटिंग, इट इज अ रिसर्च, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग दैट इज पोल्यूटिंग. इतना पोल्यूशन नहीं होगा, फार्मा इंडस्ट्री इज नॉट दैट पोल्यूटिंग. बट वही है कि आपको किसी चीज का डर ही नहीं होगा. वाटर क्राइसिस हो सकता है, आपको किसी चीज का डर ही नहीं है. फूड क्राइसिस नहीं है, यू विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग, पॉपुलेशन ओवरशूट हो जाएगा एंड
सडन एक दिन फॉल आ जाएगा। So this is the limits to growth theory. Coming to the next topic, I've given you four headings. There are certain things that are critical assessment or implications or relevance of limits to growth theory. Can you look at the headings and tell me ye ek ek point hona chahiye? Can you tell me answer kya banega, why it is relevant, or what are the critical assessment, or what you have learned from this theory? Interdependency, finite resources versus growth, exponential growth, emphasis on social solutions. ये आपको keywords दिए हैं, इसको expand कर सकते हो आप? Tell me, first then. Yes, interdependency का मतलब है each and every problem जो है वो it is interdependent. Unlike the other theories, you cannot consider it as an isolated state. You cannot solve one problem, because we have seen ki agar pollution solve hota hai to industry ka problem aata hai, industry ka problem solve hota hai to population ka aata hai, food crisis ka aata hai. That is, earth as a system is interdependent on numerous variables. That is the concept of interdependency. So mujhe iska example batao, recent isse books mein to hai example, main aapko de raha hu. A solution of one creates a problem of another. Nuclear waste? Yes. Yes, this can be the answer. Kaise? Nahi, kisne kaha? Kaun thanda kyun karna hai usko? Ye hai aisa, mujhe nahi pata. कभी पढ़ा नहीं है, साफ करने के लिए, हाँ, ठंडा करने के लिए नहीं, साफ करने के लिए, ठंडा करने के लिए नहीं, ठंडा क्यों करना है सोलर पावर प्लांट? गाड़ी को तुम ठंडा करती हो इंजन को सुबह? ऐसा कुछ नहीं. को डिकम्पोज करना इज अ प्रॉब्लम, या उनका एरिया इज अ प्रॉब्लम. दैट इज, सोलर पावर यू सब्स्टिट्यूटेड, बट डू यू हैव सो मच ऑफ लैंड इन विच यू कैन मेक द इलेक्ट्रिसिटी टोटली डिपेंडेंट ऑन सोलर पावर? नो, बट आई डोंट वांट दिस. रिसेंट एग्जांपल, टू सॉल्व द फूड क्राइसिस, ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इन विच वी स्टार्टेड डूइंग राइस फार्मिंग इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. प्रॉब्लम इज पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया. देखो, रिसेंट जो है ये जो स्ट्रबल बर्निंग है, एक सॉल्यूशन था फूड क्राइसिस का, बट क्या हुआ है उसका प्रॉब्लम? पोल्यूशन. ऐसे लिंक करो करंट अफेयर से, अंडरस्टैंडिंग? या सेकंड इशू इज फूड क्राइसिस, द स्ट्रबल बर्निंग इज एन इशू बिकॉज टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ रेगुलेशंस दैट द नो राइस विल बी ग्रोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई. सो द स्टार्ट एक सॉल्यूशन है कि दे विल नॉट अलाउ द ओवर यूज ऑफ वाटर, बट उसका प्रॉब्लम इज पोल्यूशन. दिस इज द लास्ट बैच ऑफ स्टबल बर्निंग, सो आज फिर से पोल्यूशन होगा. आई नॉट गॉन आउटसाइड, आज है पोल्यूशन कम है, बट थोड़ा बहुत है, कल से थोड़ा बहुत ज्यादा है. फाइन? सो बिकॉज नाउ द लास्ट फेज ऑफ स्टबल बर्निंग हैज स्टार्टेड. Yes, they burn them. No, no, I want you, wo crisis is different. I want you to, for this point ke liye humare paas answer hai kya? Don't go into the crisis. Don't discuss the crisis.
देखो हम आंसर्स में कोई करंट एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं क्या? यस. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवर पोल्यूशन. रिवर को साफ करो तो फिर यू वोंट बी अलाउइंग इंडस्ट्रीज इन दैट रीजन. इंटरडिपेंडेंसी. यस, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट. सो दैट इज व्हाट, अगर एक इनपुट डाल रहे हो तो दूसरा इनपुट में चेंज हो रहा है. सो अंडरस्टैंड कैसे सिलेबस यूज करना है. इट लिमिट्स टू ग्रोथ इज सिस्टम्स एनालिसिस इन विच इट टॉक्स वन इनपुट इन द सिस्टम चेंजेस द आउटपुट एंड दस इट टॉक्स दैट अर्थ एज अ सिस्टम इज इंटरडिपेंडेंट. फाइन. प्रथम कौशिक का एक मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ, द फिफ्थ रैंकर, द हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन ज्योग्राफी. फाइन. सो ही विल टेल यू प्रॉपरली कि बस सिलेबस पढ़ो और सिलेबस के पॉइंट्स इंटरलिंक करो. वही मैं क्लास में भी आपको वही कहता हूँ कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के पॉइंट्स इंटरलिंक करो. स्पेशली आज के लेक्चर से पेपर टू वी आर स्टार्टिंग. सो पेपर टू में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर टू में एनी क्वेश्चन जो ओपन एंडेड है, फॉर एग्जाम्पल ए क्वेश्चन कम्स ऑन फैमिन, जीएस में भी आएगा, बट वॉट इज इन आवर सिलेबस, जियोग्राफिकल रीजन, जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन फॉर फैमिन, कहाँ कहाँ होगा, deserts, mountainous region, climatological reasons for famine, oceanography ke reasons nahi hai for famine, but oceanography mein heating of the oceans and famine. Fine. Famines as per systems analysis kya hoga. Fine. Political reasons, political geography hai syllabus mein, political reasons for famine, answer complete ho jata hai, dhoondna bhi nahi padega. Getting it. Climatological reasons, drought, lack of monsoon, heating. Oceanographical reasons, heat waves in the oceans, cyclones, and therefore destruction of agricultural crops near the coast. Geomorphological reasons, that is the interiors of the continents, jahan pe rainfall sab kam ho raha hai. Jo vast plateaus hai, jahan pe kuch nahi hai, wahan pe there is permanent drought. Political reasons, war, inflation. Understanding? This is what is the answer. Nahi to टूरिज्म क्वेश्चन आता है. टूरिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टूरिज्म आर देयर, जियोमॉर्फोलॉजिकली, हिल टूरिज्म, प्लेन टूरिज्म. फाइन. हिमालयाज एंड हिल टूरिज्म, प्लेन टूरिज्म. क्लाइमेटोलॉजिकली, हिल स्टेशन सब दिस रीजंस. ओशनोग्राफिकली, कोरल रीफ्स और कोस्टल टूरिज्म. फाइन. पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरली, सोशल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म and recreational tourism. Social tourism, temples. Social and cultural tourism is temples. Recreational tourism is beach, national parks, yoga. Fine. So ye Haridwar, Rishikesh can come in socio-cultural tourism. आज मैं वो लाना भूल गया, क्रिस्टलर का. क्रिस्टलर में आपको समझ में आएगा, I have given you that. And इसमें there are different services which a central place can give. One of the services, just मतलब ये देखो, because we are starting with paper two, बहुत बार मैं ऐसी चीजें बताऊंगा, you will have to inculcate in this mind कि how we link, because ये सब dictation में possible नहीं है, you will have to learn. So what are the services? Services are some of the services in the forms of goods, grocery shop, etc. Some of the services which can be measured, tangible goods, banking, insurance. Some of them social service, disco, pubs. Cultural service, temples, universities, colleges. So schools will come in lower order centers, colleges will come in intermediate order services, and universities will come in highest order. Schools ke liye range of goods is very small. You will not come from Manipur to Delhi for school, fine, but university ke liye range of goods is very high. You will come from Manipur to come and study in Delhi University, right, Balbir? So, see, like, understanding, this is what is known as the range of goods. This is what is Kristaller. Fine? Isko dalo PHC mein ya cancer super specialty hospital mein, it all depends on hierarchy. BLK is central place. Fine? And government hospital in this area, jiske baare mein aapko pata bhi nahi hoga, ek yahan pe hi hai, Rajendra Nagar mein garden ke piche. That is a lower order service, right? And BLK में भी सर्दी खांसी की दवाई मिलेगी, but उस hospital में आपको cancer की दवाई नहीं मिलेगी जो garden के पास है, because
the higher order center provides all the services that are provided in the lower order centers plus some of its exclusive services. Getting it? ऐसे तो नहीं होगा कि you go to Gangaram and any other this thing and say नहीं मुझे सर्दी खांसी हुई है, वो कहेंगे नहीं नहीं we are only for topmost this thing, आप जाना किसी और इसमें. Fine? मनु को अपलोड करने भी बोलना है. अरे वो कर लेते अभिषेक, अभिषेक दे देना, दे देना, वो पास कर ले. Use it even for GS. इसमें से keywords. मैं बताऊंगा, यह पूरा घर पे जाके आराम से पढ़ना, इसमें से हमें keywords उठाने हैं. Finite resources versus growth means you should know some of the resources are going to be finite. इसमें हम criticize कर सकते हैं theory को, second point में, कि the understanding of the resources depends upon the technology. Sometimes the resources change and therefore the technology changes. But yes, there are certain resources which are going to be finite. अब don't write in this the things which are on the development basis. मतलब जो सिर्फ university में है, जो properly technology developed है उसके बारे में लिखो. So university में क्या है, जो मैं दवाई की बात करता हूँ वो testing पे है, उसका mass production बना नहीं है अब तक. Fine? So you don't, so you can talk about the agricultural land is finite. Fine? Exponential growth, कुछ भी लिखो इसमें, population से लेके pollution से लेके किसी का भी exponential growth is very very harmful. Emphasis on social solutions, इसका क्या मतलब है बताओ मुझे. What is the meaning of the fourth point? Emphasis on social solutions. Population control, awareness, crime, Swachh Bharat Abhiyan, education. वो कहता है कि यू नॉट फाइंड द आंसर इन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में इफ यू ट्राई टू फाइंड द आंसर, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे यू विल गेट इनटू अनदर प्रॉब्लम. फाइन, सो यू हैव टू फाइंड द आंसर इन सोशल सॉल्यूशंस. एंड उसमें सबका ये एग्जांपल है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे वो कंजर्वेशन फॉरेस्ट हो, चाहे वो इको सेंसिटिव जोन्स हो, कुछ भी. फाइन, Club of Rome is anti-capitalist approach. It is anti-capitalist. It is anti-capitalist, इसलिए उसको ban किया था. Anti-authority है हमेशा. So who is having the authority right now? Capitalist. It is against the, you cannot say exactly capitalist. अगर कल socialist country ने भी ऐसा development किया in the name, so it will be anti-socialist. So we can say it is anti-authority. It is anti-authority. Fine? So come to this page and look in the last, this part. What it tries to focus. Ye paper abhi recent hai, 2012 ka. Fine? Page number 100 and 205. How was the message received? The message of limits to growth led to an acrimonious public debate over the ensuing decades. Few enthusiasts viewed the book as a titany for or litany for new ecological area, but most people saw it as a threat to the cherished way of the present. Understanding this language means what happened when the limits to growth was published, it was criticized only.
There were many reasons for the skepticism that is now. Many believed that continued economic growth is the only feasible solution for to the legitimate human needs. Fine. Second, many believe that technological advance will solve all the resource and population problem. Many do not appreciate the difference between economic growth and the growth in the ecological footprint. Difference. GDP ko zyada importance hai. Many poor view any interference with the engine of economic growth as an attempt by rich to keep the poor down. Kaise humne sabse pehle kaise climate change ko yehi kiya? Ye climate change is new imperialism hai. Yehi baat karte the hum India. It is a way by which rich countries want to control and dominate. Fine? Climate change सब नहीं हो रहा है, ये नहीं चाहते कि India and China should rise up. ऐसा ही पहले देखा जाता था climate change को, 2019 को ही तो seriously लिया है first time climate change. पिछले साल तक nobody took climate change seriously. Fine? जब लड़की हो भड़की, you can say, what is that name? Greta. Why? What is that? That from where she is? Norway. That is the countries which are going to face the first impact of the climate change, and the first impact of the climate change will be faced by countries like us, which are at the extremes, near the equator or near the poles. And where are the major economies located? Sub-temperate or subtropical? Unko koi zyada farak nahi padega. China, USA always has a chance of learning from the mistakes. Nature is not going to give us chance. Kisko nahi milega chance? Above Arctic Circle and below Tropic of Cancer. Inko chance nahi milne wala. Yes. We are half above Tropic of Cancer, but India is so densely populated ki trigger agar kahin hua to uska effect repulsion will be there. It is not like China ki coastal regions of China are going below the sea, so they can go and settle in the interiors. If Mumbai goes below the sea, is there any space in Delhi? Is there any space in UP? And remember, even though we are in the temperate region, jo abhi ka class jo chal raha hai, hamara temperate is due to Himalayas. So climate change will affect the Himalayas, ki yahan se glaciers will start melting. Fine? Avalanche badhenge, floods badhenge. So aisa nahi ki India mein it is going to affect only coastal regions. Yahan se sea badhega, yahan se melting of ice badhega. Melting of ice, kaise? UP kaise safe hai? UP kaise safe hai? Melting of ice will change. You are optional students, try to link. Melting of ice will change the isostasy. Isostasy will result into more earthquakes in the Himalayas. Fine? Yes. Gobi will be new tropics. Kisne kaha dheere se melt? धीरे से जब मेल्ट होता है तो ग्लेशियल, जब फास्ट मेल्ट होता है तो एवलांच. क्या आएगा? एवलांच. वन डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू 10 मिलीमीटर्स ऑफ राइज इन द सी. 10 मिलीमीटर्स ऑफ राइज इन द सी अफेक्ट्स 0.7 मिलियन पीपल. Understanding? 0.7 million people. 2 degrees. And kisko pata hai? Ye sab computer models hai. That is why I had asked you to go through that Rajya Sabha discussion. Unhone kya kaha tha? Ki ye jo UNFCCC kehta hai, wo to bahut conservative estimate hai. Usse to kahin zyada ho raha hai reality mein. Right? So getting? So what are the implications or what is the relevance of limits to growth, तो ये लिखना है हमें. एंड इसीलिए मैंने इतना ही स्पेस दिया है, इसमें सारे आंसर्स लिखने हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड उसका रिलीवेंस हमें इतने में लिखना है. गेटिंग इट? सो आई विल डिक्टेट दिस पॉइंट बिकॉज इसमें सारे करंट्स होंगे. क्रिटिकल असेसमेंट,
सबसे फर्स्ट पॉइंट इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी। द ऑथर्स शो दैट earth is a system, earth is a system full stop, and therefore effect in the one part of the system, effect in one part of the system changes the outcome as well as feedback. Changes the outcome as well as feedback. Changes the outcome as well as feedback. Understanding iska meaning, feedback bhi change ho jayega. In other words, it shows that problems are not isolated. Problems are not isolated. And solution in one pushes the problem to another variable. Full stop. Hence the solutions need to be found. In bigger context. Hence the solutions need to be found in the bigger context. Example. Food crisis. was solved by Green Revolution, which created a new problem of degradation, environmental degradation and air pollution. Environmental degradation, सब कुछ आ गया उसमें, fertilizers, pesticides, सब कुछ, इसलिए land करो, environmental करो, environment इसलिए bioaccumulation, biomagnification, which may cause health crisis. Solution. Therefore, the solution should be found in climatically correct. Cropping pattern.
along with solving social problems such as population. Right? Is it right? Along with solving social problems such as population. Kushwant Singh ka statement hai, population is the biggest polluter of India. There is no other problem of India except population. Clear? You can write any other examples, whatever you want. Nuclear energy ka, iron and steel ka, I'll keep that thing open for you. Kuch bhi examples. Aur thoda bahut aise flow chart ho sab choices, right? Second, finite resources versus growth. Finite resources versus growth. Enough hai utna page. Finite resources versus growth. Kya kehta hai? Limits to growth says that economic growth cannot happen in an infinite way. You will have to stop somewhere, right? This is point number two. The limits to growth thesis. Limits to growth thesis. Thesis shows that present industrial societies are not compatible with planet's resources. It shows that humans' ecological footprint अभी कितना है फुटप्रिंट अपना हाउ मच इज इंडिया का फुटप्रिंट फुटप्रिंट मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीन्स कितना एरिया चाहिए हमें जीने के लिए विद द प्रेजेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग कार्बन फुटप्रिंट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू आर पुटिंग बट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीन्स कितना एरिया चाहिए बिकॉज यू रिक्वायर सर्टन फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम देयर और यू आर देयर यू रिक्वायर सर्टन काइंड ऑफ अ लैंड विच विल गिव यू फूड रिसोर्सेस इंडस्ट्री एयर वाटर यू रिक्वायर लैंड फॉर कचरा डालने के लिए रिसाइकलिंग एक्सेट्रा सो कितनी लैंड चाहिए दैट इज वॉट इज नोन एज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट सो वॉट इज इंडियाज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट राइट नाउ इट इज 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया मीन्स फॉर properly sustaining the population of India, we require the land which is presently 2.5 times greater than this present India. Isliye to itna problems hai, stress, etc. in the cities, because footprint hi nahi hai. You don't have personal space. Everywhere you will hear pollution, noise, sound, etc., which is converted into the stress, and that stress gets converted into crime. Yeah? Road rage. सबसे ज्यादा कम फुटप्रिंट कहां पे है रास्तों में एवरीवन इज कंपीटिंग फॉर द सेम स्पेस राइट वेदर इट इज साइकिल वेदर इट इज रिक्शा वेदर इट इज ऑटो वेदर इट इज बस वेदर इट इज कैटल इंडियन रोड्स में और वेदर इट इज कार्स सबको उसी स्पेस में जाना है एंड देयरफॉर रेज इज सो हाई इन इंडिया रोड रेज अंडरस्टैंडिंग सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिमेंबर राइट नाउ इकोलॉजी ये पिछले साल का डेटा है इस साल मतलब अभी इस साल का डेटा आएगा अभी कुछ एक 15-20 दिन में सो इंडिया राइट नाउ रिक्वायर्स 2.5% ऑफ द लैंड वर्ल्ड इज 60 टाइम्स ग्रेटर मीन्स वी रिक्वायर द प्रेजेंट अर्थ विच इज एटलीस्ट 60 टाइम्स ग्रेटर दैन द प्रेजेंट अर्थ फॉर अस टू सस्टेन प्रॉपरली अदरवाइज वॉट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज लेस
So obviously, not resources are limited. Resources are limited. So किसके पास होंगे resources? One who has army, military power, police power, or one who has money, economic power. जब resources proper है तो फिर गरीबी नहीं, अमीरी नहीं. अब क्या होगा? जो अमीर है या जो powerful है, they will take up the resources. Getting it? That is the idea. So what was I dictating? Human ecological footprint, bracket mein presently 60 times more. Cannot sustain 60 times, not percentage. Cannot sustain the humans infinitely. इसीलिए मैंने आपको ये पेपर दिया. इफ यू लुक इन द सेकंड पॉइंट पेज ऑफ द पेपर, दिस आर द कीवर्ड्स व्हिच आई हैव ब्रॉट इन द आंसर सेकंड पेज पे. Human ecological footprint has increased rapidly from 1900 to 1972. उसके बाद क्या हुआ, etc. थर्ड क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? उसमें कौन सा पॉइंट आएगा? ये, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स विच इज द की वर्ड दैट शुड कम पेपर में. देखो, ओवरशूट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. गेटिंग इट? सो गो होम एंड रीड द पेपर, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन डू वैल्यू एडिशन. Footprint, second point. Overshoot, third point. Overshoot is exponential growth. So question hai, what is the original message of the limits to growth? The same answer we are writing. What is the relevance of the limits to growth? Positive relevance. Negatives, next point hai hamara. Clear? The third issue that came out of limits to growth, exponential growth. The third issue that came out of the limits to growth is that wherever the exponential growth is taking place, किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो इंडस्ट्रियल आउटपुट का हो, चाहे पॉपुलेशन का हो, चाहे फूड का हो, देखो क्या कहता है वो. वेर एवर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, द इंपैक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक. इंपैक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक. चांस नहीं देगा नेचर संभालने का. सडन 11th आवर में डिक्लेयर करेगा, नहीं, आपने आपकी लिमिट खत्म की है. अंडरस्टैंडिंग? सो वी आर नाउ एंजॉयिंग. देखो, इंडिया का फूड प्रोडक्शन इज राइजिंग सो प्रॉपरली. इंपैक्ट इतना कैटेस्ट्रॉफिक होगा कि सडनली विल रियलाइज 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. दिस इज वॉट इज द कैटेस्ट्रॉफिक इंपैक्ट. फाइन? दस दिस थियरी फोकसेस ऑन Thus, this theory focuses on measured growth along with sustainable development. Exponential ke opposite kya hai? Sustainable. Thus, this theory focuses on measured growth along with sustainable development. And the last. Emphasis on social solutions. A
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ओवरशूट, फाइन, पॉपुलेशन ओवरशूट या किसी का भी ओवरशूट। व्हेन डिड चाइना ब्रिंग आउट वन चाइल्ड पॉलिसी? ईयर 60s और 70s? 70s। क्यों? समझ में आया? लिमिट्स टू ग्रोथ वॉज पब्लिश्ड। एट लीस्ट दे ट्राइड टू कंट्रोल वन वेरिएबल, दैट इज पॉपुलेशन, बिकॉज उनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए था तब। अब चाइना इज इन दैट पोजिशन कि वो नेचर को क्रिएट कर सकता है। आई हैड शोन इन टूडेज GS class only, till the time I will find that photo, likho. This theory shows the inadequacy of technological solutions to the larger problem. Because such solutions creates the problem in another variables which prolongs the crisis but does not avoid it. Have you heard about the word aeroponics? What is aeroponics? In simple words, vertical forests. Urbanization is reality. Lack of land is reality. So forest ko kahan pe develop karo? Vertically. So hum metro pillar, look at China, aeroponics. Vertical forest. Look at China. Building hai ye. And they have created the forest out of buildings. Fine, yahan pe log rehte hai, offices hai, because urbanization mein concrete jungle nahi. They are growing forest on the buildings. That is what is aeroponics. Social forestry nahi, farm forestry nahi, urban forestry nahi, city forestry nahi. Aeroponics. They realize ki ऐसे नहीं ग्रोथ हो सकता। एशियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट, दिस इज अ बिल्डिंग, ऑफिस है ये, एंड दिस इज अ फॉरेस्ट, राइट? वी आर ऑल्सो डूइंग एरोपोनिक्स इन इंडिया मेट्रो पिलर्स पे, बट देखो स्केल, देखो कितना डिफरेंट है। नहीं, दिल्ली में भी है। Aeroponics does not use soil. I know that. I don't want to tell the difference. It does not use soil. Even this is not using soil as a medium. Technology has solution for everything. The only thing is you should be open, and we should have resources for technology. Resources means capital. इसलिए लिमिट्स टू ग्रोथ गलत है। ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू प्रूव कि ये गलत है। यू सी दिस, फाइन, ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है, एंड वी कैन नॉट लिव विद पेसिमिज्म कि यार हम तो मरने वाले हैं, फिर पढ़ाई क्यों करनी है, फाइन। हाँ, तो डिप्रेशन में जाएगा ना। कभी ना कभी हम सबको मरना है, सो मैं जिंदा ही क्यों रहूं, मैं तो पढ़ाई क्यों करूं, अंडरस्टैंडिंग, मैं तो ऐसे पागल जैसा घूमता रहूंगा रास्ते पे। मरना ही तो एक दिन, क्राइम करो, ये करो, ड्रग्स लो, दारू भी पियो, सब कुछ करो, दिस इज व्हाट, फाइन, सब कुछ करके जाओ ना लाइफ में, मरना है तो। दैट्स व्हाई यू शुड नेवर टेक एनी थियरी सीरियसली। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज पेसिमिस्टिक थियरी।
कि 2021 इमेजिन यू आर स्टडिंग दिस इन 2019. अब इफ आई टीच दिस थियोरी टू समवन इन 2099 वो पर्सन वैसे ही डिप्रेशन में जाएगा. फिर वाई? बिकॉज अगले साल तो हम मरने ही वाले हैं. फाइन, इवन इफ द क्लाइमेट इज वेरी गुड, टेक्नोलॉजी सब कुछ आ गया, बट मरने ही वाले हैं. फाइन, सो फर्स्ट इज इट इज हाईली पेसिमिस्टिक थियरी. इट इज हाईली पेसिमिस्टिक थियरी. Which does not take into account human willpower. Human willpower. Comma, technological developments. Comma, brain power. Brain power in averting the crisis, in averting the crisis, or in solving the crisis. Second point, crisis kab aane wala hai? 2100 mein. See, it is reality also. याद रखो, ये थियरी थी इसीलिए आज हम ये कर रहे हैं, सोलार पावर एक्सेट्रा. अगर ये थियरी नहीं होती तो नोबडी वुड हैव टेकन अस सीरियसली. अंडरस्टैंडिंग, 2012 में वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड, जिसका मैंने पेपर दिया है, वी हैव वेस्टेड 30 इयर्स थिंकिंग ऑन वेदर दिस थियरी इज ट्रू और अनट्रू, रादर देन दैट वी शुड हैव डेवलप्ड द सॉल्यूशंस. अगर ये थियरी डरा नहीं देती, हैड दिस नॉट मेड यू अफ्रेड, यू वुड नॉट हैव डेवलप्ड द सॉल्यूशंस ओनली. Fine. So the crisis period, next point, the crisis period will probably occur by 2100. But in the last 100 years, numerous environment friendly sustainable solutions, such as solar power, clean coal technology, clean coal technology, electric vehicles, fortification of food, etc. have occurred which shows that solutions are possible. Case study. Which country is making solar panels for roads? Damper ke badle there are using solar panels to make roads. China or France? France mein they will use solar panels to make roads and shuru bhi kiya hai.
चाइना ने भी शुरू किया है, रोड्स इससे नहीं बनेंगे, रोड्स सोलर पैनल से बनेंगे. एंड फ्रांस हैज द टेक्नोलॉजी की द लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रक टुडे इन इट्स फुल्ली लोडेड कैपेसिटी कैन रन ऑन दैट रोड विदाउट स्टॉपिंग फॉर 24 आवर्स. मतलब कि इतना ज़्यादा कि वो ग्लास टूट जाएगा ऐसा कुछ नहीं, इट इज अनब्रेकेबल ग्लास. गोरिल्ला ग्लास का हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी. ये सब मिलिट्री है, ये अभी फोन में आ रहे हैं. गोरिल्ला ग्लास टेक्नोलॉजी केम इन World War II, यू शुड रिमेम्बर. अब वो चीपर फोन्स में आ रहे हैं, हाई एंड फोन्स में बहुत पहले से थे वो. फाइन, इट इज जस्ट अ कोटेस्ट कोटिंग. दिस ऑल इज अ गिफ्ट ऑफ World War II, गोरिल्ला ग्लास टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. तब अब तब फोन में नहीं थे, तब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे थे ऑफ द मिलिट्री. नाउ योर फोन हैज गोरिल्ला ग्लास, अनब्रेकेबल. यस, फाइन. सेकंड केस स्टडी, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स. हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स, व्हिच विल एमिट. क्या एमिशन होगा हाइड्रोजन पावर व्हीकल से? ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. व्हिच विल एमिट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर. जो अभी धुआं निकल रहा है उसके बदले ऑक्सीजन निकलेगा. अंडरस्टैंडिंग? हाइड्रोजन पावर व्हीकल से. व्हिच सिटी विल बी द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव हाइड्रोजन पावर्ड बसेस? दिल्ली. डे बिफोर यस्टरडे, रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स, हाइड्रोजन पावर्ड बसेस विल स्टार्ट रनिंग इन दिल्ली. अभी ट्रायल रन शुरू होने वाला है. सो व्हाट इज एग्जॉस्ट में से क्या निकल रहा है? एग्जॉस्ट में से निकल रहा है फ्रेश ऑक्सीजन. जो आप बस को ओवरटेक करना चाहते हो आप नहीं करोगे, यू विल वॉक बिहाइंड द बस बिकॉज यू आर गेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन एंड वाटर. थर्ड, फॉरेस्टर मेडोज मॉडल. फॉरेस्टर मेडोज मॉडल और मीडोज मॉडल, मतलब लिमिट्स ऑफ ग्रोथ थियोरी का दूसरा नाम. फॉरेस्टर मीडोज मॉडल. प्रोफेसर फॉरेस्टर इज स्टिल वर्किंग इन MIT राइट नाउ. उन्होंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे मैंने इंटरव्यू देखा था उनका, वो खुद नहीं बिलीव करते इस थियोरी में अभी बिकॉज सो मच वी हैव चेंज्ड. बट दे से यस, वी शुड लर्न फ्रॉम, वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम दिस थियोरी. फॉरेस्टर मीडोज मॉडल इज ओवर सिंप्लीफाइड रोमांटिक वर्जन ऑफ रियलिटी. रोमांटिक वर्जन ऑफ रियलिटी बेस्ड ऑन अजम्पशंस. That Earth is a closed system. Earth is a closed system. I'll stop, but the reality is different. Example, case study, example. Which countries are the most developed countries? Tell me. Quality of life सबसे ज़्यादा कौन सी countries में है? India में या Norway, Sweden, etc. Which are the highest level of development? Norway, Sweden, etc. And who are more concerned about environment? India या those countries only? So, are you really concerned? जितना they are concerned? So, यही है reality. Understanding? It is capitalism which causes consumption. Consumption which causes some people to become rich. And once they become rich,
they are the first one who will try to save the environment. Reality dekho. It is the Brahmins who got the education. Some Brahmins went outside India, and those are the same Brahmins which brought in the changes in the social reforms in India. Social reforms in India movement ho ya environmental reforms aaj ka ho, wo kabhi lower strata se nahi aayega, wo hamesha impose kiya jayega. Getting it? Except for Phule, I told you last time also, ya Periyar, baki sab upar se tha imposed. The same thing is there. Aaj ye wahi rich countries hai, wahi rich people hai, who have become rich due to capitalism, who is going to cause the changes in the environment, who will help in developing new and new technology. Getting it? So case study. In fact, it is consumption. It is high consumption and high industrial output. And high industrial output, which makes the country rich. Which makes the country rich. Full stop. And this first world countries, this first world countries put pressure on the third world nations. Put pressure on the third world nations. Pressure on the third world nations for population control, environmental control, etc. Next point. Understanding this point? Next point. As per Zimmerman, we'll come to Zimmerman. As per Zimmerman, resources are not, they become. Resources are not, they become. Understood this lines? Line? Koi resource karke nahi hota. They become resources with the technology. So as the technology will increase, maybe we'll find more and more resources. Isliye his doubt ki resources kaise kam hote ja rahe, hona hi nahi chahiye. Kuch logo ke liye coal tha resource, phir nuclear energy ban gaya resource, phir petroleum ban gaya resource, aage jaake uranium ban sakta hai resource, aage jaake gold ban sakta hai resource. Resources is what the technology allows us to use. Aisa nahi ki resource is always there. Maybe after some years, coal will never be used. It is no longer will be a resource. Fine? Water will be, water is a resource. Aage jaake fresh air will be the resource. Thermal energy. Understanding? That is what Zimmerman says as a criticism to this theory. And therefore, you have to write. Who is Zimmerman? Migration. Economic geography. Fine? That means as the technology changes, as the technology changes, new resources are developed. New resources are developed or efficiently, or the old resources are efficiently used. Old resources are efficiently used. And the last point, वो फिर से लॉक हो जाएगा. इस
The theory treats world as a single unit. The theory treats world as a single unit. But in reality, each region can be divided into rich, developing, and poor region. And therefore, everyone will have different requirements. Balancing the environment. Understanding the meaning of this? कहीं food production ज्यादा होगा तो कहीं industrial development ज्यादा होगा. Conclusion? Limits to growth is a neo-Malthusian. Neo-Malthusian account of population collapse. Which may not predict correctly the fall of humans or the collapse of the earth. But warns us that if the ecological footprint is not controlled, and if the corrective actions are not taken immediately, man will be destroyed. Technological. Further reading, page number 105. Fine. Further reading is page number 105. Points diye hai. First, second, third, fourth, fifth, sixth, etc. Jitna aapko lena hai, you can put it. The reason is limits to growth is highly pessimistic, because if you come to the first page of this handout, इन्होंने सबसे पहले, look at the fifth line, इन्होंने सबसे पहले end of world कब बोला था? By the year 2000. We are in 2019. Getting it? Computer modeling. Hmm?
Yes, it is too thick. Isi ke karan hai. 1971 Stockholm. In 1972, this was published. UNEP did not come because of this. Birdland Commission came because of this. IPCC came because of this. UNFCCC came because of this. ये जो आजकल हम करंट अफेयर्स पर रहे पेरिस एग्रीमेंट 75 सब इसके बाद ही आए इसीलिए रिमेंबर 71 में ये पब्लिश हुआ 75 में वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 77 में कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 87 में इट पब्लिश अ रिपोर्ट नोन एज बर्टलैंड रिपोर्ट 88 में यूएनएफ CCC एंड आईपीसीसी 92 में रियो अर्थ समिट 95 में क्योटो प्रोटोकॉल और फिर ये चल ही रहा है इट इज ऑल एन आउटकम ऑफ दिस एंड ये क्यों आया ग्रिफिथ टेलर नियो डिटर्मिनिज्म अंडरस्टैंडिंग द लिंकेजेस दिस केम बिकॉज ऑफ ग्रिफिथ टेलर लिमिट्स टू ग्रोथ सब्जेक्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस टू इंडियन गवर्नमेंट कि एनवायरमेंट इकोलॉजी शुड कंपल्सरीबली सब्जेक्ट इन एनी टॉपिक वेदर इट इज आर्ट्स वेदर इट इज साइंस वेदर इट इज एनीथिंग एंड देयरफॉर 2013 में आपके सिलेबस में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पहले ज्योग्राफी का सिलेबस जो था इट डिड नॉट हैव चैप्टर 5 इट हैड ओनली टिल चैप्टर 4 सेक्शन 8 फाइन Just open your syllabus and try to understand how is this chapter paper 2 of industries. One topic is the evolution of industries. In India. We'll do it in the class. How the industries in India evolved. More as a flowchart because yahan se question nahi aate aajkal. But this is more important for you in the prelims exam. Mains mein ye kaam ka nahi hai itna evolution. Ye first cotton mill kahan pe aaya, first jute plant kahan pe aaya, first 5-year plan mein kya tha. Fine. Second is jahan se question aate hai. Very, very important. Locational factors. And now, why I'm taking this chapter as soon as keep a separate book for paper 2. Fine? Industries or sabke liye keep a separate book. So I am doing it as instead of completing paper 1 because Weber and baki sare hame apply karne hai. So jaise ye chapter khatam ho jayega within 1.5 lecture, I will start with population geography. Malthusian theory, jab maine jo aapko handout diya, I will ask you to bring it that. Then we will do this chapter, paper 1 ka as well as paper 2 ka Indian geography. So, have idea of locational factors of which industry? Cotton, jute and textile industry. I'll club them into one. Fine? Cotton mein, market becomes important because it's a pure raw material. Jute mein, market se zyada what becomes important is geography, climatological factors because it is found only in certain regions. And textile industry, it can be woolen textile also. Ek hi bachta hai fir, silk and woolen textile. Silk industry pe question nahi aayega. Silk is present in the previous chapter, that is the agriculture. Major industry, iron and steel industry. Very easy. Factual lagega aapko, but it is very, very easy. Problem aata hai, when they ask you specifically, what are the locational factors for Jamshedpur, TISCO plant? What is the locational factor for XYZ? Ek plant uthayenge aur uska locational factor puchhenge. That is why we feel it difficult. Fine? Aluminium industry. Then, fertilizer industry. Very easy. Aluminium fertilizer. Then, paper industry. Chemical and petrochemical industry.
pharma. Vaise it is given same, but I am changing it because chemical, petrochemical and pharma will be different topics. And lastly, automobile industry. Just like limits to growth, I'll share the handouts, we'll discuss in the class. Bahut aasan hai ye sab. Fine? I want you to do iron and steel industry in the class because ye thoda complex hai, this phenomena. Fine? Cottage and agro-based industries mein alag se nahi karunga because it is the same. Cottage and agro-based industries. Next topic in your syllabus is industrial houses. Complex and public sector undertakings. Question will come only during the public sector undertakings. Isme se question nahi aayega. For example, they will not ask you write a short note on Tata Group. They write a short note on Reliance Group. These are the industrial houses in India. Fine. Public sector undertakings pe aise nahi write a short note on conditions for Maharatna Navratna. Question ek hi open ended aayega. Ki what are the shortcomings of public sector undertakings and why the efficiency is decreasing. Wo bhi kyun aa raha aayega, kyunki next March tak Indian oil will be sold out. Fine. BPCL will be sold. So do you think that in certain industries we should do the what disinvestment etc. So jo GS3 ke questions hai, this should be the guide road map. The only thing is answer mein Weber aayega, answer mein behavioral geography aayegi. Fine. Nahi aayi to bhi koi farak nahi padega, sirf ye hai ki paper to complete ho jayega, marks nahi aayenge. Fine. Paper 2 mein bhi aapko 120 aayenge 160 ke badle, ek do statements. So par aise nahi hoga ki hum paper nahi likh payenge, sirf selection nahi hoga. You will not understand ki selection kyun nahi ho raha agar Weber Weber nahi likhoge to. Fine. Easiest topic, industrial regionalization. Why I'm making you write this? Because you should know what to study and what to not to study. You should study this. New industrial policy. Hum do karni hai, 1991 and jo pichle saal aayi, 2018. New industrial policy. Fine. What are uska reasons for the new industrial policy? Pura GS hai. Except for iron and steel industry, pura GS hai. Agro-based industry, isi saal GS mein question tha. Of Northwest India. MNCs, multinational corporations. Role of MNCs and transnational corporations. SEZs. Fine. And lastly, tourism. Now, what you should go and study? You should focus on this part. You should focus on this part, you should focus on this part, you should focus on this part. Baki ke isme se questions nahi aate, sirf wo naam ke liye hai, aur jo question aate hai wo specific aate hai. Fine? Don't waste time in studying each and everything. Be smart, it is not now paper 1. Startups play an important role in giving flip to the economic growth in India. Latest question, startups pe. Understanding? Aise question aayenge. Give a critical account of region-specific constraints of sustainable tourism in India. Isliye padna padta hai, tourism in detail.
regional account. Fine. Assess the suitability of SEZs for the sustainable economic development in India. Direct ek open-ended question aata hai. Name the major industrial regions of India indicating the base of their identification. Jiske us par star mark hai, uske question specific hai, dekho. Mini steel plants can act as an instrument of decentralization of iron and steel industry in India. Isliye mujhe class mein karna hai. Decentralization kya hai, etc. Fine. How may tourism in hilly areas of India be developed as an important source of economy? Phir se question tourism pe. Analyze the location, distribution, pattern and the problems of cotton textile industry in India. The Bokaro iron and steel plant is an example of industrial complex. Explain the new industrial policies in India. Kuch question nahi hai, ek hi question aata hai. That is what I am saying. They will ask you analyze. Why is the traditional craft industry in India in decline? Handicraft industry kyu decline mein? Why does the pharmaceutical industry concentrate largely on the western region of the country? I had discussed this question indirectly with you. Kyu hai Bombay Gujarat ke aas pass? Because it is also syllabus padho. Pharmaceutical industry group kiske saath hai syllabus mein? Chemical and petrochemical industry ke saath. So petrochemical industry kahan pe hai? Northwestern part. Second, labor. Labor ko hi apply karo. Kahan pe hai skilled labor? Western India ke paas. Third, export market, which is nearer to Africa. The same thing. Fourth, which is urbanized. Wohi petrochemical industry, refineries. Answer wahan milta hai. Due to this reasons, they are majorly concentrated, but it is not the only reason. Some of the pharmaceutical industries dealing with generic medicines and Ayurvedic medicines are present in, even in the Himalayan region. Example, Dabur is present in Nepal. Patanjali is present in Haridwar. Khatam answer. So if start kya hoga? Any industry is based on Weber's idea of three parameters: raw material, labor and market. Labor kahan hai, raw material kahan hai, market kahan hai. Iska ek diagram aayega. Bas yahi aapko 10 mark extra dega paper mein. 20 मार्क एक्स्ट्रा देगा. अंडरस्टैंडिंग? बाकी सबका आंसर सेम रहेगा. सिर्फ क्या आप वेबर ला सकते हो क्या? क्या आप डिमांड एंड सप्लाई ला सकते हो क्या? व्हाट आर द डिजायर्ड पॉसिबल चेंजेस इन आवर ट्रेड पॉलिसी टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री? पूरा जीएस बेस्ड है. फाइन. डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन जनरल एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर. मतलब उन्होंने दिया है जूट एक्सेट्रा, पर उनका फोकस कहां रहता है? कॉटन टेक्सटाइल. इससे तो ज्यादा डीप में जीएस में जाते हैं वो. अंडरस्टैंडिंग? लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड द कोल फील्ड्स इन इंडिया आर नॉट म्यूचुअली कंडसिव. मींस थर्मल पावर प्लांट्स एंड द कोल फील्ड्स आर फार अवे. यस. व्हाई? बिकॉज पावर प्लांट्स आर लोकेटेड ऑल्सो नियर द सिटीज. पावर प्लांट्स आर ऑल्सो लोकेटेड नियर द इंडस्ट्रियल सेंटर्स. फाइन. एंड इंडिया में there are certain industrial regions. What is industrial regionalization? These are the industrial regions in India. Delhi, Gurgaon, Meerut, major. Delhi as a base, Delhi as a what? Growth pole. Mumbai industrial region, Gujarat ka industrial region, Bangalore, Tamil Nadu industrial region. Phir export based industries, Guntur, Vishakhapatnam industrial region. You don't have to remember this smaller. Yes, if jo dark hai, fine. छोटा नागपुर प्लाटू इंडस्ट्रियल रीजन, ग्रोथ पोल अगेन, पेरोक्स बोडीविले मेडल एज फॉर रीजनल ग्रोथ एंड हुगली इंडस्ट्रियल रीजन अराउंड कोलकाता एज अ ग्रोथ पोल. फाइन. अब जो जो यहाँ इंडस्ट्रीज है दे ऑल्सो रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी. सो थर्मल पावर प्लांट्स विल बी लोकेटेड हियर. व्हाई दे विल बी लोकेटेड ओनली इन द कोल फाइंडिंग रीजन्स? इट इज फाउंड ओनली इन द कोल फाइंडिंग रीजन, ओनली इन दिस रीजन. फाइन. बाकी के जगह से कोल इज एक्सपोर्टेड एंड thermal power plants are located surrounding this region. Mila answer.
It is all linked, very easy topic. Phir se, how ecotourism activities can be important source of livelihood in Himalayas and the northeastern states of India. Discuss the problems in realization of benefits of globalization and liberalization in the industrial regions of India, industrial sectors. Distributional pattern of industries in India do not provide requestive basis for division of country into distinct industrial regions. अब ये क्वेश्चन है इलेबोरेट, फिर से पढ़ो क्वेश्चन 2013 का. डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया डज नॉट प्रोवाइड रिक्वेस्टिव बेसिस फॉर डिविजन ऑफ कंट्री इन टू डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल रीजन. बट हमारे मैप पे तो देर इज अ डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल रीजन. सो इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना है, यू हैव टू क्रिटिसाइज दिस स्टेटमेंट. नो, इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया आर लोकेटेड हियर, बट देर आर सर्टन industries which are located all over India, and these are cotton textile industry, sugarcane industry, agro waste industry. Otherwise we have perfect industrial regions in India. Explain the role of multinationals in globalization of industries in India. What is the role of multinational in globalization of industries? What is the role of इस क्वेश्चन का आंसर को एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया. व्हाट डू मल्टीनेशनल्स के पॉजिटिव्स बताओ मुझे. आंसर इज देयर इन योर माइंड, यू ऑलरेडी नो द आंसर, कोई अलग नहीं है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है. मशीनरीज मींस दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी. मशीनरीज नहीं, दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी. New machineries, new this thing, which increases the industrial output, increases the efficiency, etc. Second, employment generation, because they bring capital. Third, skill development, wo skills padhate hai. Fourth, work ethics, soft skills bhi wo include karte hai. Work ethics, they bring the best practices and they help in centrifugal forces ke bare mein socho. Ye centrifugal forces hai jo India ki taraf aati hai. Outside centripetal forces kya kya karti hai, they help in enlarging the export base of the country, they help in enlarging the capital formation in the country by generating export based job, they help in developing the infrastructure of ports, railways and communication. Fine, they help in bringing the country or enlarging the image of the country in the global scale. Getting it? Case study, ek Indian multinational company ka, एक आउटसाइड मल्टीनेशनल कंपनी का विच इज कमिंग इन इंडिया. सो मेरे पास दोनों केस स्टडी रेडी है, एक नेस्ले का विच कम्स टू इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी, एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी विच गोज आउटसाइड इंडिया, टाटा. फाइन, टाटा इज ओनर ऑफ स्टील्स, यूके के बड़े बड़े स्टील ब्रांड. टाटा इज ओनर ऑफ टेटली, टेटली इज अ यूके बेस्ड कंपनी. फाइन, इट इज ओनर ऑफ लैंड रोवर एंड जगुआर ब्रांड. सो ये इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज ओनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील कंपनीज इन द वर्ल्ड. मैं नाम भूल गया उसका अभी. यस, इट इज अ कोरस स्टील का ओनर है वो. कल उसने स्टेक छोड़ दिया एक छोटी कंपनी में से, बट इट इज द ओनर ऑफ लार्जेस्ट स्टील कंपनी इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, कोरस स्टील. फाइन, कभी कभी बाउंसर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2012 में आया था. आइडेंटिफाई द स्पेशल पैटर्न ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन्स ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया. एनालाइज द पोटेंशियलिटी ऑफ मालवा एज एन इंपॉर्टेंट एग्रो इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया. मतलब कौन सा रीजन है. अब प्रॉब्लम यहां पे हुआ था 2012 में, मालवा क्या, मालवा प्लाटू या मालवा प्लेन्स. अंडरस्टैंडिंग, ओपन एंडेड दे दिया. मध्य प्रदेश का दिस रीजन कॉटन, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑयल सीड्स इज मालवा प्लाटू, पंजाब इज मालवा प्लेन्स. दोनों रीजन एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है. और ये एज इट इज इस साल का क्वेश्चन है जीएस का. Only thing is, except for Malwa, they have written industrial development in the Northwest India. Focus of agro industries in the Northwest India. So what you should write, whether you should write Malwa Plateau or Malwa Plain. Remember, 2012 was my last attempt.
आई हैड रिटन मालवा प्लाटू, मार्क्स अच्छे आए थे, ऐसे नहीं कि मार्क्स नहीं मिले थे, राइट। बट उससे पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये बाउंसर था क्वेश्चन, प्रिपेयर करना होता है इन द माइंड ऑल्सो, दे आर इट्सेल्फ इन द एग्जामिनेशन। सो इफ यू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज ग्रोन वेयर, इवन विद द जीएस का नॉलेज यू कैन राइट एन आंसर, फाइन। बट ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता है। मेरे सामने जो लड़की बैठी थी, शी स्टार्टेड क्राइंग लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, फाइन, बिकॉज शी हैड रीच्ड उसका लिमिट। 2012 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, बॉस चुंगेन हैडल हैंगेन, फाइन, उसका लिमिट आ गया। जब उसने पेपर टू देखा कि ये भी ऐसा ही है, वॉट नहीं टॉपर्स तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अगर सिलेक्ट हो गया होता तो मैं बोलता कि मैंने वो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया, मैं गया ही नहीं पेपर टू में, पेपर वन में मेरे को इतने मार्क्स आए, फाइन। टॉपर्स की बात कहां सुननी है। Understanding? So this is our idea, basic idea. We'll meet tomorrow. From tomorrow, the class timing will be 2 p.m. See, I'll start at 2:10. Thoda ek do hafte do it. We'll complete our syllabus 2:10 tak. Kaun se? Santosh sir ka kya? Saturday I am not going to take the class, don't worry. Saturday I am not going to take the class. So, I'll tell Santosh. Fine? So, isliye because wo CSAT ki batch hai. So, we'll have to, so I will get 2.5 hours, fine? Nahin, nahin, nahin. Question alag hai na? किसी एक मालवा, यस यस, हाँ हाँ, इसलिए तो मार्क्स आए। मेरे फ्रेंड ने मालवा प्लेन्स लिखा था, कुछ नहीं।